हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप आप भी सोच रहे हो क्या खा कैसा हूँ सामने इतने टफ क्वेश्चंस दिख रहे हैं एंड आप पूछ रहे हो कि कैसा हूँ बिलीव मी ये टफ क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन काफ़ी इजी है अगर हम प्रॉपर अप्रोच करें तो सो so, आज हमें देखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं अगर हमारे पास सर्टन कंडीशन हो दैन एंड आज जो मेथड देखना है दैट इज नथिंग बट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन और शिफ्टिंग ऑफ रूट्स मैथड के नाम में कुछ भी नहीं रखा है मेथड काफ़ी ईजी है हमें बस ये पता रखना होता है अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्सवायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसके हों मीन प्लस के, के K. अगर ऐसा होता है से वी कैन so से अल्फा प्लस के इज नथिंग बट एक्स सो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आती है एक्स माइनस के अगर आपको के ज्यादा चाहिए होता है तो इस इक्वेशन में एक्स के बदले एक्स माइनस के पुट कर दो आपके रूट शिफ्ट हो गए प्लस के से तो ये इक्वेशन थोड़ी सी नीचे आ जाएगी मैं डीप नहीं जाना चाहता हूं अगर इफ इट्स प्लस के देन प्लस इन इक्वेशन अगर ये माइनस के होता है तो एक्स प्लस के पुट करना होता है आई होप इट इज क्लियर अगर आपके पास एक्स प्लस के है तो एक्स माइनस के पुट कीजिए सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इफ यू हैन बाई एक्स इज इक्वल टू एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स स्क्स बाई एक्सर दैट इज स्क्वायरिंग ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एक्स इधर आके हो जाएगा माइनस में और अगर आपके पास x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू ए है देन हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्यूबिंग बोथ द साइड्स जो फाइनल आउटकम आपके पास आएगा इज नथिंग बट ए क्यूब माइनस थ्री ए एंड लास्ट इज अगर आपके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इन टू बीटा इज नथिंग बट सी बाई ए सो तीन ही कॉन्सेप्ट है एंड इस तीन कॉन्सेप्ट ये बकवास क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे

Minus 7 is equal to 0 that is x squared minus 6x plus 1 equal to 0. The main condition is the first one is x plus 2 raised to power 4 and second one is 1 upon x plus 2 raised to power 4. The product of these two should be the constant terms. Why so? Because we assume this one is the root alpha and beta, the product is plus 1. So this is the root of this one. How many 2 increase kia hai? विद द प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज ना प्रोडक्ट है ये हमारे रूट हो गए इस इक्वेश के सो वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज नाइनस बी बाई एज सिक्स एंड यहां से बोल सकता हूँ बीटा इज नथिंग बट वन बाई अल्फा सो अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इज इक्वल टू सिक्स एंड अल्फा क्या है इस इक्वेशन के रूट से दो ज्यादा इफ इसका इक्वेशन का रूट एक्स है तो यहाँ पे अल्फा इज नथिंग बट एक्स प्लस टू So, आपको कुछ करना नहीं है इफ यू हैव प्लस टू प्लस टू जस्ट प्लेस माइनस टू सॉल्व द इक्वेशन यहां पे प्लस वन आना कंडीशन इंपॉर्टेंट है और द प्रोडक्ट ऑफ डीज टू जो भी हो यहाँ पे देखना चाहिए आपको सो बाई दिस वी कैन से अल्फा प्लस बीटा इज सिक्स एंड यहां से हम ये बोल सकते हैं अल्फा प्लस वन बाई अल्फा इज इक्वल टू सिक्स बिकॉज बीटा को मैंने वन बाई अल्फा से रिप्लेस किया है एंड इफ यू हैव दिज टाइप ऑफ थिंग्स सो दिस इज नथिंग बट एक्स प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू We can say in general bracket is 6 squaring both the sides. What we get? a square plus b square plus this square minus 2. That is 34. Then again, you square it, it will become x plus 2 raised to power 4 plus 1 upon x plus 2 raised to power 4 is nothing but 34 square minus 2, which in turns becomes 1154. So, this is your answer. Okay, friends, now try this question. Here we have x minus 1, means roots a come hain. So, we have to place x plus 1 in this equation that is nothing but x plus 1 whole square minus 3 into x plus 1 plus 3 is equal to 0 that is x square plus 2x plus 1 minus minus 3 plus 3 3 is equal to 0 this is cancelled out we have x square minus x plus 1 is equal to 0 here the product of roots is plus 1 so means the product of these two is plus 1 so from this equation, whose roots are x minus 1, if x is the root of x square minus 3x plus 3, so we can say it is x minus 1 plus 1 by x minus 1 is the sum of roots because the product is 1, is nothing but minus b by a is 1. If we want to square, that is, squaring both the sides, this square minus 2 is nothing but minus 1. If again square, that is, the power is 4, this square minus 2 is nothing but minus 1. अगेन इफ यू स्क्र पावर इज एट दैटस टू इज माइनस वी हैव टू स्क्ट एक्स माइनस वन हॉल स्क्ट माइनस वन जब भी इस क्वेश्चन आए प्लीज आप जस्ट शिफ्टिंग ऑफ रूट्स पे पहले काम करो एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू शुड बी हियर सो आई होप अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे सो लास्ट बकवास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसमें करना क्या है एक्स प्लस थ्री है इट मीन्स हमें एक्स माइनस थ्री प्लेस करना है एक्स माइनस थ्री हॉल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल टू फाइव डैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस फाइव इज जीरो सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज नथिंग बट प्लस वन इज जीरो एंड इस दोनों का प्रोडक्ट वन आ चुका है सो so हम अप्लाई कर सकते हैं डैट इज एक्स प्लस थ्री प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री सम ऑफ रूट्स बिकॉज द रिवर्स है इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए इज फाइव एंड हमें क्यूब करना है सो क्यूब ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस क्यूब माइनस थ्री इंटू फाइव हंड्रेड एंड टेन इज आर आंसर सो आई होप इट इज क्लियर बट इसमें यह कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ दिश टू क्यूबिंग आप यहाँ पर कर लेना यह इस कॉन्स्टेंट टर्म के बराबर होने चाहिए सो आई होप इट इज क्लियर इफ यू हैव एनी डाउट फील्ड फ्री And if you like the concept, please, I would say, like the video and subscribe to the channel. Thank you and happy learning.